Good morning students, you are going to write your quarterly exam. For that, this is the quarterly exam pattern. Roman letter 1, Padhya, Prashnum ke Uttar for 10 marks. Roman letter 2, Hathi, Prashnum ke Uttar for 9 marks. Roman letter 3, Kavi Parchaya for 6 marks. Roman letter 4, Vristut Prashnum ke Uttar for 10 marks. Roman letter 5, Vyakaran, Prashnum ke Uttar for 10 marks. Roman letter 6, Hadiyas Padkar, Prashnum ka Uttar Kaligiye for 5 marks. Totally, you are going to write 50 marks. Based on this pattern, let us revise the question what you have learnt in our previous classes. Roman letter 1, Padhya Prashnum ke Uttar, first question, Kabhi Sabke Hriday Mein Kiski Dog Chahta Hai? Kabhi Sabke Hriday Mein Kiski Dog Chahta Hai? Answer is, Kabhi Sabke Hriday Mein Sarvada Samavedana Ka Taho. Sarvada Samavedana Ka Taho. Kiski, in this space you have to write Sarvada Samavedana. Second question, Kis par Unmat Hona Chahte Hai? Kis par Unmat Hona Chahte Hai? Answer is, Buddhiyon par Unmat Hona Chahte Hai? Kis, in this place you have to write Buddhiyon par Unmat Hona Chahte Hai? Third question, Kabhi ki Drishti mein Tan Man Kaise Ho? Kabhi ki Drishti mein Tan Man Kaise Ho? Answer is, Kabhi ki Drishti mein Tan Safal Ko Man Bimal Savisesh Ho? Next question, Chau Kavita Ke Kavi Kaun Hai? Chau Kavita Ke Kavi Kaun Hai? Chau Kavita Ke Kavi Shri Mokanlal Chaturvedi Hai? Chau Kavita Ke Kavi Shri Mokanlal Chaturvedi Hai? Next one, Kavi Apne Aap Ko Kya Mante Hai? Kavi Apne Aap Ko Kya Mante Hai? Answer is, Kavi Apne Aap Ko Ye Varadiya Atma Mante Hai? Kya, in this place you have to write Ye Varadiya Atma Mante Hai? Next one, Phool Ki Cha Kya Hai? Phool Ki Cha Kya Hai? मातृभूमि के लिए प्राण त्यागने वालों के फायरों से कुचला जाना उसका सौभाग्य है। मातृभूमि के लिए प्राण त्यागने वालों के फायरों से कुचला जाना उसका सौभाग्य है। नेक्स्ट वन, कभी जीवन में किन बातों से विचलित नहीं होना चाहते हैं? आंसर इज, कभी जीवन में संपत्ति और विपत्ति से विचलित नहीं होना चाहते हैं। कभी जीवन में संपत्ति और विपत्ति, आंसर इज, संपत्ति और विपत्ति से विचलित नहीं होना चाहता है। नेक्स्ट वन, रोमन लेटर 2, हत्या प्रश्नों के उत्तर। रोमन लेटर 2, हत्या प्रश्नों के उत्तर। 4 क्वेश्चंस विल बी देयर, यू मस्ट राइट 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट रोमन लेटर 3, कवि परिचय। कवि परिचय, इन दिस पोर्शन यू ऑलरेडी लर्न 3 पोएट इंट्रोडक्शन, तिरुवल्लुवर माकन्ना चतुर्वेदी और मैथिली शरणगुप्त। यू शुड स्टडी अबाउट ऑल दिस पोएट इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर। नेक्स्ट वन, विस्तृत प्रश्नों के उत्तर। विस्तृत प्रश्नों के उत्तर, हिंदी 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस विल बी देयर, यू मस्ट राइट 2 क्वेश्चंस। रोमन लेटर 5, व्याकरण प्रश्नों के उत्तर। व्याकरण प्रश्नों के उत्तर, दीस आर ऑल योर ग्रामर क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? नाम बताने वाले शब्द को संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या कितने प्रकार के हैं? उनका नाम लिखिए। संख्या कितने प्रकार के हैं? संख्या 5 प्रकार के हैं। उनका नाम
व्यक्तिवाचक संख्या, जालीवाचक संख्या, भाववाचक संख्या, द्रव्यवाचक संख्या और समूहवाचक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या का उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण राम, मदुरई, पुदुचेरी, मेज आदि इसका उदाहरण। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तुम, आप, मैं, वे, यह आदि इसका उदाहरण। नेक्स्ट वन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम कितने भेद हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। वे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वन, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रदर्शित कराने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वन, विशेषण कितने भेद हैं? विशेषण कितने भेद हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। वे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट वन, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्या या सर्वनाम के गुण, आकार, दिशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण काका, कौवा, काला है। नेक्स्ट वन, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण। इसका उदाहरण पांच, पेड़। नेक्स्ट वन, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के परिमाण, परिमाण या तौल आदि का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण 5 लीटर दूध। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, रोमन लेटर 6 हाथियार पद पर प्रश्नों का उत्तर लिखिए। राइट, रीड द गिवन पैराग्राफ बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कंक्लूडेड। कीप रिवाइजिंग एंड गो इन द सेम मैनर एंड स्कोर गुड मार्क इन योर क्वार्टरली एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।